हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदा नेटिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। आप इसको लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट में किसी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। बनाने में एकदम ईजी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10-10 के मल्टीपल में फंदे चाहिए प्लस 8 फंदे एक्स्ट्रा। आपका डिज़ाइन एकदम सही आएगा। ये टोटल यहाँ बैग से कुछ इस तरह दिखता है और फ्रंट से इस तरह। टोटल 14 डोमा डिजाइन है। 14 डोमा हमारा ये डिज़ाइन दोबारा से शुरू हो जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है फ्रेंड। अब मैं आपको इसको बना के, इसमें मैंने टोटल 38 फंदे ले रखे हैं और 38 फंदों में मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगी। मल्टीपल में फंदे चाहिए। चलिए आपका डिजाइन एकदम सही आएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा हम उतार लेंगे, यह फंदा है। यहाँ से दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ से ये दो फंदों का जाली भी डालेंगे और दो फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर दो फंदे उल्टे। पांच फंदे हमारे ये हो गए, दो फंदे उल्टे बनाए, फिर एक जाली डालते हुए दो का एक किया, दो ये हो गए, दो ये हो गए, छः फंदे हमारे ये हो गए। अब यहाँ से 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 फंदे हमने सीधे बना दिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, फिर सेम करेंगे, धागा अपनी तरफ रहेगा और दो फंदों का एक करेंगे जाली डालते हुए। जो दो का एक किया वहाँ पे ये बढ़ भी गया, फिर से दो फंदे उल्टे। अब यहाँ से फिर से हमने 10 फंदे सीधे बनाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 फंदे हमारे फिर से सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। यहाँ पे हमने टोटल मैंने दो डिज़ाइन बना के दिखाए आपको। ये देखिए, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ रहेगा और ये दो फंदों का एक कर देंगे जाली डालते हुए, दो का एक करेंगे। यहाँ से फिर लास्ट में दो फंदे उल्टे। इस तरह हमारे इसमें दो डिजाइन बना के दिखाया। फर्स्ट सिलाई हमारी कंप्लीट होगी, ये सेकंड सिलाई है बैक से, बैक रो से ये सेकंड सिलाई है फ्रेंड। ये दो फंदे जो हमने उल्टे बनाए उनको सीधा बनाएंगे। जो ये दो फंदे, एक जाली डाल वाला और एक जिसमें दो का एक किया, ये दो उल्टे बनाएंगे, फिर से ये दो सीधे, दो फंदे हमारे सीधे हो गए, फिर 10 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10। 10 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर से सेम रिपीट, यहाँ से दूसरा डिजाइन शुरू हो रहा है। ये दो फंदे सीधे, ये दो फंदे उल्टे, एक जाली वाला, एक जिसमें दो का एक किया, फिर ये दो फंदे सीधे। फिर से सेम रिपीट, यहाँ से 10 फंदे फिर उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। धागा पीछे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, दो फंदे हम सीधा बना लेंगे। इस तरह हमारा ये सेकंड रो भी कंप्लीट होगी। थर्ड रो है सीधी साइड से। पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब
देखिए फ्रेंड, पहले हमने इस साइड जाली डाली थी, दो का एक किया था, अब हम ये दो का एक करेंगे और जाली दूसरी साइड पड़ेगी। जिस साइड जाली डाली है उस साइड जाली नहीं डालेंगे, दूसरी साइड जाली डालेंगे। ये दो का एक कर देंगे और यहाँ पे ये उल्टे फंदे के साथ जाली डाल देंगे। ये दो फंदे उल्टे हो गए और यहाँ से इनको सीधा सीधा बनाना है। दस फंदे हमारे सीधे ही आएंगे इसमें। दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदों का एक करेंगे, एक जो जाली वाला एक ये। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे, फिर ये दस फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड, बिगनर भी आराम से इसको बना सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर में, ऑल प्रोजेक्ट में बनके बहुत ही अच्छा लगता है। ये दस फंदे हम इसी तरह सीधे सीधे बना लेते हैं, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदों का एक करेंगे, जाली डालते हुए ये एक दो फंदे हम उल्टे बना देंगे लास्ट के। इस तरह फ्रेंड्स हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो है बैक साइड से। अब इसमें से फ्रेंड हमको सेमी करना होता है। ये दो फंदे तो हमने सीधे बनाने हैं, एक पहला उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टा बनाएंगे, एक जाली वाला एक जो, और ये दो फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा बनाएंगे। बाकी ये यहाँ तक ये उल्टे ही बनाने हैं। दस फंदे मैं बना लेती हूँ, ये दस फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब ये दो सीधे दिख रहे तो इनको मैं सीधा ही बनाऊँगी, जो जैसे दिख रहा है बैक सिलाई में हमने वैसे ही बनाना है। ये दो फंदे उल्टे और ये दो सीधे दिख रहे हैं, ये सीधे। बाकी पूरी सिलाई में इसी तरह बना लेती हूँ। ये दस फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, यहाँ पे ये दो सीधे दिख रहे हैं सीधे, ये दो उल्टे, फिर ये दो सीधे। इसी तरह हम पूरी सिलाई बना के फिर सीधी सिलाई में दिख। इस तरह हमारी ये चार सिलाई कंप्लीट होगी। अब पांचवी सिलाई है सीधी साइड से। ये दो फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, इस बार पहले बार हमने इस साइड जाली डाली थी, अब इस साइड डालेंगे तो ये दो फंदों का एक करते हुए जाली डाल देंगे। यहाँ पे एक बार हमने इस साइड जाली डालनी है, एक बार इस साइड। अब यहाँ पे ये दो फंदे उल्टे, अब यहाँ से हमने तीन फंदे सीधे बनाने हैं। पहले तीन फंदे सीधे बना दिए, अब यहाँ पे ये दो फंदों का एक कर देंगे, ये दो घटा देंगे हम यहाँ पे, और इस साइड भी सेम करेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, और फिर तीन फंदे इस साइड भी सीधे बच जाएंगे हमारे, तो इनको भी मैं सीधे बना दूंगी। तीन फंदे सीधे बुने, फिर दो का एक किया, फिर दो का एक किया, फिर तीन फंदे सीधे बुने। अब फिर सेम रिपीट, दूसरा डिजाइन शुरू हो रहा है। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ ही रहेगा और ये दो फंदों का एक कर देंगे, फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे और फिर ये दो फंदों का एक करेंगे। फिर सेम रिपीट, दो फंदों का एक करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे। अब यहाँ पे ये दो फंदों का एक कर देंगे जाली डालते हुए, अब यहाँ से दो फंदे उल्टे। ये सिक्स रो है बैक साइड से। जो फंदा जैसे दिखेगा उसी तरह बना दूंगी, जो सीधे दिख रहे हैं सीधे। ये पहला फंदा उतारेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर ये एक सीधा बनाएंगे, फिर ये दो उल्टे, फिर दो सीधे, फिर यहाँ बीच में ये फंदे उल्टे आ जाएंगे। और जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाने हैं हमको। मैं बना लेती हूँ फिर दिखा। इस तरह फ्रेंड ये इसमें सिक्स रो कंप्लीट होगी। ये सेवन्थ रो है सीधी साइड से। दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब इस बार हमने इस साइड का इसको घटा देना है,
और जाली दूसरी साइड डालेंगे। एक बार हम इस साइड जाली डालेंगे, एक बार इस साइड। अभी हम इस साइड जाली डालेंगे, दो का एक किया और जाली डाल दी। अब यहाँ पे दो फंदे उल्टे बनाने के बाद दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहले हमने तीन सीधे बनाए थे, इस बार दो सीधे बनाएंगे और ये दो फंदों का एक करेंगे। फिर सेम रिपीट इस साइड भी दो का एक करेंगे, फिर ये दो फंदे सीधे बना देंगे। इस तरह हमारा ये डिजाइन बनना शुरू हो गया है। अब देखिए दो फंदे हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर दो फंदों का एक करेंगे, फिर इस साइड भी दो का एक करेंगे। फिर दो फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे। धागा पीछे ये दो फंदों का एक करना है, जाली डालेंगे यहाँ पे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे। आप जितने भी फंदे हैं फ्रेंड आपको इसी तरह बनाना है, आपके पूरे प्रोजेक्ट में इसी तरह बन के आएंगे। अब बैक सिलाई है, एट्थ रो है, जो फंदा जैसे दिखेगा वैसे ही बनाना है। ये सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा बनाऊंगी, बाकी सारे फंदे उल्टे। मैं बना के फिर दिखा। एट्थ रो कंप्लीट होगी फ्रेंड्स हमारी। अब ये नाइन्थ रो है, सीधी साइड से दो फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे। अब जाली हमने अब इस बार इस साइड डालनी है, इस साइड पहली बार हमने इस साइड डाली थी, तो इस बार इस साइड जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब फिर से ये दो फंदों का एक करना है और इस साइड से भी दो का एक करते हैं। ये दो फंदे उल्टे हैं, यहाँ पे फिर जाली डालते हुए दो फंदों का एक कर देंगे। दो फंदे उल्टे, फिर दो, दो फंदों का एक, ये एक फंदा सीधा, ये इस तरह हमारा ये डिजाइन बन के आ रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे, दो फंदे उल्टे। इस तरह हमारी ये सिलाई कंप्लीट होगी। अब बैक सिलाई जो फंदा जैसे दिखेगा उसी तरह मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड ये टेंथ रो हमारी कंप्लीट होगी। इलेवंथ रो है, सीधी साइड से पहला फंदा उतार लिया, धागा अपनी तरफ है, दो फंदे उल्टे। अब ये दो फंदों का एक करना है हमने, बिना जाली डाले हुए दो का एक करेंगे। इस साइड हम फिर जाली डालेंगे, एक बार हम इस साइड जाली डाल दें, एक बार इस साइड। अब यहाँ पे दो का एक कर, दो फंदे उल्टे बना दिए। अब यहाँ पे ये दो फंदे, एक ही फंदा बच गया, इसको भी हम घटा देंगे। ये दो का एक कर दिया हमने। अब इस साइड भी ये दो फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम दो का एक कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये बन गया है। अभी इसमें हमने डिजाइन बनाना है, तो उसको हम बनाएंगे। अभी हम धागा पीछे करेंगे, दो उल्टे बनाने के बाद यहाँ पे ये दो दो का एक करेंगे, जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे बना देंगे। धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदों का एक करेंगे, ये भी दो का एक कर देंगे। फिर यहाँ से दो फंदे उल्टे बनाएंगे और दो धागा पीछे करेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे और जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे बना लेंगे। इस तरह फ्रेंड
11th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह हमारा ये डिज़ाइन बन के आ रहा है। ये है 12th रो बैक साइड से, जो फंदा जैसे दिखेगा उसी तरह मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ सीधी सिलाई। देखिए फ्रेंड, ये रो 12th रो हमारी कंप्लीट हो गई, रो 13 है, यहाँ से हमारा डिज़ाइन दोबारा से शुरू होगा। जो फंदे हमने घटा रखे हैं अब बढ़ाने भी हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। ये दो फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, पहला उतार दिया दूसरा उल्टा। अब यहाँ पे ये दो फंदों का एक करेंगे जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे देखे फ्रेंड, अब यहाँ पे ये दो फंदे बच गए, नौ टोटल हम गए 8 फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। देखिए ये हमारे दिख रहे हैं जहाँ से हमने घटाना शुरू करा था। सबसे नीचे वाली होल में हमको यहाँ सिलाई डालनी है। देखिए फ्रेंड, जो हमने ये धागे कर रखे थे इनके यहाँ पे नीचे लाना है, यहाँ सबसे नीचे इस पर हमने ये सीधा बनाने के बाद ये यहाँ से इस तरह हमने यहाँ से निकाल देंगे। फिर ये फंदे को इस तरह यहाँ से ले लेंगे, ये दो धागे हो गए। फिर यहाँ से फिर से निकालेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। फिर इस साइड से इस तरह 4, फिर सेम जगह से 5, ये 6, 7। देखिए मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनाने हैं हमको टोटल, तो एक यहाँ से लेंगे तो ये हमारे 8 हो गए। अब ये फंदा हम इस तरह सीधा ही बना देंगे। इस तरह हमारा ये एक डिज़ाइन बन गया। अब दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर दो फंदे उल्टे, फिर सेम करेंगे, ये जो दो फंदे हैं इन दो में पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ सबसे नीचे यहाँ पे हमने सिलाई लानी है। देखिए यहाँ यहाँ से इस तरह निकाल देंगे इसको, जो धागा है इसको पीछे लेते हुए इसको इस तरह लेंगे, तो ये 2 बार हो गया। फिर से इसमें से डालेंगे, 3 हो गया। फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से लेंगे 5, फिर 6, हो गया। फिर इसमें से डालेंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर इसमें से इस तरह ले लेंगे तो ये 8 होगा। और फिर ये फंदा हम इसी तरह सीधा बना देंगे। इस तरह हमारे ये दोनों में जितने फंदे थे हमारे 9 में से 9 ही फंदे हो गए फ्रेंड। अब दो फंदे तो हम उल्टे बना लेंगे, और ये दो फंदों का एक करेंगे जाली डालते हुए। फिर ये इस तरह ये रो 13 कंप्लीट होगी। रो 14 है बैक साइड से, रो 14 है बैक साइड से। दो फंदे तो हम सीधे आते हैं, सीधे ही बनाएंगे, ये 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। जो फंदे हमने इस तरह लिए थे 9 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, जो ये धागे हमने लिए थे उनको इस तरह उल्टा बनाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 फंदे हमारे फिर उल्टे आ गए। अब यहाँ से ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। बहुत ईजी डिजाइन है फ्रेंड, ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ से फिर से 9 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9,
और ये 10 फंदे हमने इस तरह बना दिए हैं। अब फिर ये जो ये लास्ट के जो जैसे दिख रहा है वैसे, देखिए फ्रेंड इस तरह हमारा ये डिज़ाइन बन गया है, कितना सुंदर लग रहा है देखिए, तरह बन के आया है ये। अब फिर इसे हमने वैसे ही बनाना है जैसे पहले बना रहे थे, ये दो फंदों का, ये दो फंदे तो उल्टे बना लिए, ये दो फंदों का एक करना है, जाली डालेंगे इस साइड उल्टे फंदे के साथ, और यहाँ से फिर ये 9 फंदे हमने अब 10 फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं फ्रेंड। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह इनको सीधे सीधे ही बनाएंगे। 10 फंदे सीधे हो गए, फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे धागा पीछे, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ ये 10 फंदे सीधे सीधे, फिर जो जैसे दिख रहा है उसी तरह मैं बना ली। अब इस तरह फ्रेंड ये 10 फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं, 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे फिर से उल्टे। इसी तरह आपको बनाते जाना है फ्रेंड, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसी तरह बन के आएगा। फिर से आपको मैं ये बैग सिलाई पूरी जो फंदा जैसे दिख रहा है उसी तरह बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ सीधी सिलाई में। देखिए फ्रेंड इसके बाद मैंने एक उल्टी एक सीधी सिलाई फिर से निकाल ली है, ये दोबारा डिजाइन डालने के बाद पांचवी सिलाई है हमारी सीधी साइड से। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 2 का एक करना है, ये तो हर बार ही हमको सेम ही करना है, एक बार हम जाली इस साइड डाल रहे हैं एक बार इस साइड, ये 2 उल्टे। अब यहाँ पे 3 सीधे बनाएंगे हम, पहले जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरह 3 सीधे बना दिए, अब फिर से 2 का एक करते हैं यहाँ पे, और इस साइड भी 2 का एक कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे। अब इसी तरह हमने हर बार में इसमें से एक एक फंदा कम करते जाएंगे, 2-2 फंदे, देखिए इस साइड हम जाली डालेंगे और ये 2 फंदे उल्टे बनेंगे। तीन फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक, फिर से सेम रिपीट 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इस साइड भी 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, और यहाँ पे फिर से ये 2 का एक कर दिया जाली डालते हुए, फिर लास्ट में 2 फंदे उल्टे। फ्रेंड बैक सिलाई तो हर बार की तरह सेम ही बनानी है, और सीधी सिलाई में हमने यहाँ पे आप ये 3 फंदे जो हमने छोड़ रखे हैं एक एक करके, जब तक हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे न बच जाए तब एक फंदा हम इस साइड से कम करेंगे, एक फंदा इस साइड से, इसी तरह कम करते हुए मैं पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड इस तरह हमारा ये डिजाइन बन के आ गया, इसमें 2 ही फंदे बच गए, फिर से हमने ये वाला ही डिजाइन बनाना है, तो उसी तरह बनाना है जैसे हम पहले बना रहे थे, 2 फंदे तो हम उल्टा बनाएंगे, यहाँ पर ये 2 फंदों का एक करेंगे, देखिए ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे बच गए, तो पहला फंदा हम बना लेंगे, फिर सेम करेंगे जहाँ पे ये नीचे, देखिए यहाँ पे, देखिए ये नीचे सबसे नीचे जहाँ नीचे दिख रहा है होल इसमें डालेंगे, और यहाँ से पीछे से इस तरह निकाल लेंगे इसको,
एक धागा यहाँ से लेंगे, एक फिर उसी जगह से, एक बार आगे से एक बार पीछे से, तीन हो गए, ये चार, पाँच, छः और ये सात और ये आठ। अब फिर ये वाला फंदा हम इसी तरह बना लेंगे। तो इस तरह हमारे ये दो डिजाइन बन गए। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है। और फिर सेम ही करना है आगे। ये दो फंदे तो हमने उल्टे बनाने हैं और ये जाली डालनी है यहाँ पे, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, अब देखिए यहाँ से हमने ये एक हो गया, दो, फिर इसमें से फिर से निकालेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये सात, और ये आठ। इस तरह हमारे आठ धागे हो गए। दो फंदे हमारे इसमें हैं पहले से ही, तो हमारे टोटल इसमें 10 फंदे हो जाते हैं। बाकी हमने ये लास्ट के सारे फंदे जो जैसे दिख रहे उसी तरह बना लेना है। मैं बना रही हूँ, देखिए फ्रेंड इस तरह हमारा ये डिज़ाइन बन गया। बैक सिलाई से ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। किसी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बन गया, बहुत ही अच्छा लगता है। बैक से ये इस तरह दिख रहा है और फ्रेंड से इस तरह। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।